चाहिए। और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भोजपुरी के सिर्फ अश्लीलता के बारे में मत पूछा करिए। बिल्कुल सही। जब अच्छाइयों के बारे में पूछिएगा ना तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा। हम बुराइयों को पूछकर इतना पूछ देते हैं कि दुनिया बुराई के तरफ ही भागती है। जो गाने हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको भी हम सर्च करके और उसी गाने के बारे में पूछ पूछ के उस गाने को सब्सक्राइब में ला देते हैं, उसको व्यूअर ला देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर एक बुरा होता है तो 75 अच्छी चीज होते हैं। तो आप लोग अच्छी चीजें पूछिएगा, अच्छे के बारे में पूछिएगा। तो रावण तो एक ही था, लेकिन रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए वो। उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण में, खाली रावण को पकड़ के तू लो चलता रहा। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं। तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सर्च कराते हैं तो अब सारे गमा। और हमारी अरसी अरसिया है, ये भी पंजाब से है, तो मिसिकली आपने मतलब तीन स्टेट आपने इंक्लूड कर दिए गाने, पंजाब, बंगाल और भोजपुर। मैं क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मायने नहीं रखता, कोई भाषा मायने नहीं रखता। हमें अगर अच्छा करना आता है तो हम कहीं भी जाकर काम करते हैं। तो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में काम नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो उस कलाकार हैं। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और दो चीजें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है। और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो सारे गामा कंपनी में जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें एक त्योहार की तरह लगता है। और बंधु तीन दिन, ये गाना बहुत पॉपुलर पहले का गाना है और सारे गामा का कंटेंट था। और मैं इसको गा रहा था एक दिन, तो बाबा ने ही बोला, क्योंकि ये जौहरी टाइप की इंसान है, ये जब भी आते हैं तो पहले जब पहली बार मिले थे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ यहाँ पे, सच्चाई बता सकता हूँ। बद्री जहाँ पहली बार जब मिले थे ना तो मैं इनको बहुत अवॉइड कर रहा था, क्या सारे गाना लेके आ जाते हैं कुछ भी मतलब का। लेकिन जब मैं इनके साथ काम किया तो इनके अंदर बहुत कुछ है करने की, जो नहीं नाचता उसको भी नचा देते हैं स्टेज पे, वो अलग अलग टाइप के नचाते हैं, नचा नहीं पाते हैं ये नचा देते हैं, क्योंकि इनका एंगल खुद का सोचना होता है। जो नहीं नाचने वाला है उसको भी ये नाचते हुए दिखाते हैं। रिजर्व खेसारी नहीं पहनने वाला है इसको भी पहना देते हैं। तो आपका विजन जब क्लियर होता है ना तो दुनिया का कोई भी कलाकार खूबसूरत दिखता है। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने सब पे वही काम किया जो खेसारी पे किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया कि उनके लिए कुछ और किया, इनके लिए कुछ और किया। जो जितना कर सकता है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये एक कंपनी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो हर पूरे परिवार को एक समझता है वो परिवार कभी टूटता नहीं। और इसीलिए सारे गमा कहीं ना कहीं आज दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। भोजपुरी के क्षेत्र में सबसे आज ट्रेंडिंग में तो लगता है कि मुझे इनका कब्जा ही जैसे हो गया है, जैसे कि इन्होंने ट्रेंडिंग खरीद के ही रखा है। एक होता है ना, ये तो प्यार है आपके दर्शकों का कि मतलब अभी पांच गाने ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें से चार तो आपके हैं। टॉप म्यूजिक में तो 10 है मेरे, सारे गमा के 4 है। तो मुझे लगता है कि मैं, एक होता है कि कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं थे ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बट एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली बार, पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं।
तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिवशंकर, उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ है। चिंता मत करिए, जो भी आपके कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा। ऐसा नहीं है, जो बेहतर करेगा सबका। देखिए भाई, मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उससे मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ, मतलब कि अपने जुबान की वजह से, क्यों हाँ थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हूँ मैं। आशीष जी, आपको आपके पास भी है, थोड़ा सा बोल लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे जी। हाँ, आशीष जी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है, तो इनका पहला गाना आया था नथुनिया, जो कि हमने रात में शूट किया था, और दिन में हम लोगों ने बंदूक तीन दिन शूट किया था, मतलब आई थिंक मई जून था, गर्मी इतना ज्यादा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम लोगों के साथ, मतलब कि जो पहला गाना आपने शूट किया, टेक्निकली आपका पहला गाना है हमारे साथ, तो सबसे पहले मैं सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मुझे काम करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि सारी सर के साथ जो मैंने काम किया है, एंड सारी का मापा हम भोजपुरी यार खेसारी मत बोला तो बेबी बोला तो मुझे तो मेरे जीवन में कोई बेबी बोलने वाला नहीं है, मुझे लगा बाबू बोलना था। ये देख सकते हैं आप केमिस्ट्री। सो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, एंड एक और स्टोरी है बद्री सर की, एक और स्टोरी है मैं बताना चाहूंगी। पहली बार मैं किसी सेट पे रोई हूँ वो बद्री सर की वजह से, इन्होंने मुझे डांट दिया था, लास्ट का शॉट था, इन्होंने मुझे डांट दिया और मैं बोला हाँ मुझे डांट दिया, ओह माय गॉड, और मैं रो रही थी, और फिर खेसारी सर आए, उन्होंने मुझे गले से लगाया, मुझे चुप कराया, बेटा तुम हार्डवर्क कर रही हो, तुम्हारा हार्डवर्क एक दिन रिजल्ट लाएगा। सर आपको याद है? मुझे क्या, मुझे मेरे जीवन में हर चीज मुझे याद रहता है, लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ। देखिए खेसारी लाल के स्टेडम क्या है नहीं है ये मायने नहीं रखता, सामने वाला कलाकार को अगर मैं अपने स्टेडम के साथ काम करूंगा तो शायद काम मेरा ही खराब होता है, इसीलिए मैं कभी भी जीवन में जो भी आर्टिस्ट होता है वो कम वर्क करे या ज्यादा करे कोशिश यही करता हूँ कि वो मेरे दोस्त की तरह रहे, और इसीलिए मैं उसको पहले फेरी करता हूँ, बातें करता हूँ, हंसी मस्ती करता हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि खेसारी, इसके दिमाग में ये लगना चाहिए कि दिस इज चिरकुट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, चिरकुट तो कहीं नहीं, चिरकुट नहीं, मतलब कि एकदम यार इसका कोई लेबल ही नहीं है, मैं अपने लेबल को उस इंसान के नजर में पहले गिराता हूँ कि मेरा कोई लेबल नहीं है भाई, तू बिल्कुल निश्चिंत से काम कर, लेबल जो होगा वो अपने पर्दे पे हो सकता है क्या नहीं, बट मैं उसके नजर में पहले अपने लेबल को गिराता हूँ, उसके बाद उसके साथ काम करता हूँ। सर में एटीट्यूड नहीं है, दैट सर बताना चाह रहे हैं, सर एटीट्यूड नहीं दिखाते कि आई एम स्टार, कि मेरे पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, लड़के घूमते हैं, ऐसा नहीं दिखाते, मुझे इतने डीएम्स आते हैं, मेरे लिए कम आते हैं, सर के लिए इतने डीएम्स आते हैं कि लोग पूछते रहते हैं, जिसकी सारी सर को बोलिए उनके बहुत बड़े फैन हैं, और मेरा गाना जो नथुनिया भी था जो मैंने सारे का मापा हम भोजपुरी से किया था, मेरा फर्स्ट नंबर दे दो यार मेरे को भी, ताकि मैं बात करते रहूंगा। बट ये हमारा अनुभव सारी गमा के साथ हमेशा अच्छा रहा है, और मुझे नहीं, मैं क्या बोला कि जितने भी हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, कलाकार हैं, सबका अनुभव सारी गमा के साथ हमेशा अच्छा रहा है, क्योंकि ये अपने कलाकार को कलाकार की तरह नहीं बेटी की तरह संवारते हैं, जैसे हमारे विक्रम सर, जो कि मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एमबी से बात कर रहा हूँ, उनसे लगता है कि बड़े भाई और छोटे भाई वाला एक रिलेशनशिप है मेरा उनके अंदर, और मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ मैं एक परिवार समझ के ही काम करता हूँ, रीजन कि मैं अगर स्टार्डम के हिसाब से काम करूंगा तो शायद ना वो मुझे अच्छे से जज कर पाएंगे और ना ही मैं उनको कर पाऊंगा, तो हर इंसान को मैं, जितने भी हमारे कलाकार जो मेरे भाई हैं, बहने हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सबसे मैं यही बोलूंगा कि जिंदगी में एटीट्यूड को अपने पर्दे पे रखना, लेकिन अपने एटीट्यूड को, अच्छे नेचर को दुनिया के सामने रखना, एटीट्यूड के साथ काम करना, बट जिंदगी को एटीट्यूड के साथ मत जीना, रीजन की एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा, इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड अपने काम में रखिए। तो बोलिए ना, मैं वही कह रहा हूं, हम बोलते रहते हैं क्योंकि हमारे मुंह पे मीटर नहीं लगा है,
मुझे भी कभी नहीं लगता है, बोलिए यार। तो आपका जो एटीट्यूड है तो वो उससे तो सीखने के लिए भी है यंगस्टर्स के पास कि सबसे पहला तो मेहनत जो है वो ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। मैं मुझे लगता है कि मैं 3 बजे सुबह भी आता हूँ तो कम से कम 400 डिप्स मार के सोता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना मेरे पास रोटी थी ना मेरे पास गायकी थी। आज भी गायकी नहीं है, आज भी रोटी नहीं है, आज भी सकल से मैं बहुत सलमान खान नहीं लगता। बट कोशिश करने में क्या जाता है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। पहले मुझे लोग लौंडा समझते थे, आप लोगों के दिमाग में आजकल के जनरेशन में गे समझते हैं लोग, क्योंकि मैं साड़ी पहन के पहली बार मेरी जब एंट्री हुई थी इस दुनिया में तो मैं साड़ी पहन के पहली बार एंटर किया था। एक गाना था मेरा चूसा था देवरा चूसा था, उस समय मेरी एज थी 16-17 साल की। तो लोगों के दिमाग में, इंडस्ट्री के दिमाग में यही था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये मर्द है ही नहीं। तो अपनी परेशानी को मैंने बदलने की कोशिश की और आज मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दुनिया ये भी कहती है कि इससे बड़ा मर्द कोई नहीं है, क्योंकि हमने अपने हर उस परेशानी को बदला जहां लोग ये बोलते थे कि ये खेसारी लाल यादव मर्द नहीं है। क्योंकि मेरी पहचान हुई थी साड़ी पहन के मैं एंटर किया था। तो कलाकार जो होता है ना उसका कोई आकार नहीं होता है, जहां जिसन तहां तेसन ना करे तो मर्द कैसा। तो इंसान जब कला के क्षेत्र में होता है तो आज पूरी दुनिया के नायक कहने, हिंदुस्तान के नायक कहने जाने वाले हमारे बच्चन साहब, उन्होंने भी साड़ी पहनी। तो कला क्षेत्र में ये मायने नहीं रखता कि किसने साड़ी पहनी और किसने घाघरा पहना, वो लोगों के मनोरंजन के लिए था, लेकिन लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया कि आई एम रॉन्ग। बट कोई नहीं, आज भी मुझे साड़ी पहनना होता है तो मुझे डर थोड़ी लगता है। अब मुझे क्या बताना है लोगों को कि मैं क्या हूं, सब तो जान ही चुके हैं क्या ये मर्द। तो इसलिए कभी भी अपने पहचान को बताने के लिए आपको आपका वर्क ही बता सकता है। आप दुनिया को क्लियर करने जाओगे ना तो फंसते चले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया एक दलदल है और दुनिया ही आपको निकालती भी है। दुनिया एक रस्सी भी है और दुनिया एक दलदल भी है। तो आप फंसना चाहते हो कि निकालना चाहते हो, शांत रहोगे तो कोई ना कोई रस्सी फेंक ही देगा और हिलो डोलोगे तो फंसते जाओगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी सलीलता के साथ काम करिए। आपदा आती है, मेरे जीवन में मुझे लगता है कि अगर मैं खुश 2 महीने होता हूं ना तो 6 महीने तो मैं कम से कम परेशान ही रहता हूं। तो जो गाड़ी आगे चलती है ना सबसे ज्यादा रिस्क उसी को होता है, जो सवारियों को लेकर चलता है उस ड्राइवर पे कितना रिस्क होता है, क्योंकि सारे सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना है। और मैं एक कंपनी में करीब करीब मुझे लगता है कि 70 कंपनियों के लिए काम करता हूँ और वो 70 कंपनी सारे गमा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना खेत बेच बेचकर कंपनी खड़ा की है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो भी एक दिन सारे गमा के बगल में बैठेंगे। आप ही सारे गमा बन सकते हैं, सारे गमा आसमान से नहीं, लेकिन हाँ आज सारे गमा अपने आप को सारे गमा समझता ही नहीं। आज भी जमीन पे रह के कलाकारों का सम्मान करके कलाकारों के लिए क्या कर दे, मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था भाई सच पूछिए तो मैं माइक पे बोल रहा हूँ, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, इतना अच्छा व्यवस्था आपको सिनेमा में भी नहीं मिलता यार। जैसे इतना स्वीट रूम वगैरह, मैं तो स्वीट रूम में इनका ही मैं रहता हूँ, बाकी तो हमारे चटाइयों को छुटा दे। एक सिनेमा था मैं गया था यूपी में करने, सर बारात घर में सो के 15 दिन काम किया, क्योंकि मेरे नेचर में है कि मैं वहां काम करने गया हूँ, मैं रहा हूँ स्वीट रूम में, ये दुनिया देखने नहीं आई, मैं काम कितना अच्छा किया हूँ ये दुनिया देखने आई। तो मैं उस चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि वो पर्दे के पीछे की चीज है। लेकिन जब भी बद्री झा मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भी देते हैं, बोलना पड़ता है बोलता है अंदी की तरह दिखते लीजिएगा, 2-4 हजार ज्यादा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, वो काट लीजिएगा मेरे हिसाब में। देखिए काटते नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं शिष्य भी ब्राह्मण का ही, तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान और एक बड़े भाई की तरह। मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका, ये क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं है? मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूएगा, जानते हैं
किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10 20 को जनाएंगे, वही 20 30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत जबरदस्त। तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। रंजन एक सेकंड, मुझे भी ये लास्ट में ये बोलना था, बद्री सर बहुत अच्छे हैं, बद्री सर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बद्री सर का दिल बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे डांटा था, कोई बात नहीं सर, मैंने पहली बार डांट खाई थी, तब से हम ज्यादा बहुत अच्छे हो गए हैं। और मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग भी की थी उसके बाद में। बद्री सर बहुत अच्छे हैं, कोई मत भूलिए। हाँ सर, आपने इससे पहले बंगलिनिया सॉन्ग गाया था, आपको बंगाली लोग कैसे लगते हैं? खेसारी भैया, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो गाना है ये बंधु तीन दिन, ये गाना अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मुझे लगता है कि माइक में बोलूंगा तो शायद आपके कैमरे में उस चीजें साफ नहीं आएगी। अरे ट्रेंडिंग में होना और नहीं होना ये लिए मायने नहीं रखता। मैं लोगों पे अपनी छवि और अपने संगीत का असर कितना छोड़ जाता हूँ ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं व्यूअर के लिए काम नहीं करता कभी कि मेरा व्यूअर कितना आ गया, मेरे रील कितने बन गए, नहीं। मुझे लगता है कि मैं असर कितना कर गया। देखिए मेरे कहने का मतलब कोरोना काल में जान कितनी बची ये मायने रखता है, मरे कितने लोग ये मायने नहीं रखता है। हमें गिनती बचाने वाली की होनी चाहिए। तो हमारे संगीत से खुशी कितने लोगों के मिल रही है मैं उसके लिए हमेशा काम करता हूँ। और एक चीज और कि मैं महीने के 20 गाने गाता हूँ। कितने लोगों का ये होता है कि यार इतना गाना क्यों गाते हो, इतना गाना। मैं 20 घर चलाने के लिए गाता हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए नहीं गाता हूँ। क्योंकि वो 20 कंपनियां होती हैं और उन 20ों के साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा होता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं। खेसारी जी, इतनी सारी बातें हो गई पर सबसे पहले ये गाना हो जाए बंधु तीन दिन। कहाँ डोली सुन लेने को करते हैं तो हीरोइन है ना, गावे लेना नहीं कर गाला ठीक नहीं। ने बंधु तीन दिन तोरे बाड़ी के गला में देखा पे लगना बंधु तीन दिन तो दो चार लाइन हीरोइन भी है ना, तो उसका भी लाइन है, तो उसका लाइन हम नहीं जानते हैं। ये हीरोइन का गाला ठीक नहीं है। खेसारी के साथ एक सिंगर भी हूँ मैं, जरूर ये गाती हैं। हाँ गुड, ये सिंगर हैं, ये एक्टर बात नहीं, ये सिंगर पहले बिल्कुल। बट मैं थोड़ा गरम तो मैंने कहना जरूरी था, जब हम छाप दिए थे सबको पता होना चाहिए कि मैं सिंगर भी हूँ। अरे आपको हो सकता है इन फ्यूचर कि बद्री जी मैं और मुझे और सर को एक गाना दे दें। उड़ीसा का कंपनी खोल रहे हैं, आज से उड़ीसा गवाएंगे। मैं गा लूंगी, मैं सारी लैंग्वेजेस में काम। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप टैलेंटेड है, कूट कूट भरा जाते हैं। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, हेलो भैया। जे तरीके से गाना और बंद कर जाता, स्ट्राइक मारल जाता, ओकरा बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लावल जला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं, तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? लोकल ट्रेन ना जलावल जला, राजधानी जलावल जला। जिंदगी में एक चीज हमेशा जान लीजिए, मुझे करना आता है। कौन मेरे गाने को ब्लॉक कर रहा है, कौन मुझे डायमेज करना चाहता है। मैं लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर झूठा धोखे में यहां तक आया हूं। तो जब मेरे पास कुछ औकात मेरी नहीं थी, मुझे 2 रुपए की औकात नहीं थी, तो मैं आज आपके सामने, आप जैसे बड़े भाइयों के सामने, इतनी सारे हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, इतने सारे टैलेंटों के सामने मैं कुछ कह रहा हूं। जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक हूं मैं। और उस
माँ के आशीर्वाद हुआ करते थे, और मैं आज तो मुझे लगता है अरबों में मेरे माँ बाप हैं, अरबों में मेरे भाई हैं, अरबों में मेरी माँ है, अरबों में मेरी बहन है। तो इतने सारे परिवार के एक बेटे को इतना तकलीफ कोई कितना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है। खेसारी भैया, आप लाइव आके कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, कौन है इन सब के पीछे? अभी तो मीडिया का काम है पता करना, यह हमें पता करके बताएं। जिंदगी में देखिए एक बात होता है आपसे, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन पीछे आने के बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रीजन उससे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता वो तय करता है उसको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में क्या क्या कष्ट होने वाले हैं। अगर आपको अपने उन्नति के रास्ते पता चल जाए कि यहाँ ये कष्ट होगी वो कष्ट होगी, तो उस कष्ट से इंसान घबरा के अपने आप हथियार डाल देगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उतरते हैं ना, जब हमें नीचा गिराया जाता है तो उसमें भी अपने ही हाथ होते हैं। न तो क्या बढ़िया के राम जी के गद्दी होता है, मैं मतलब माइम का बॉन भेज दे ली। तो जिंदगी में जब भगवान राम को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ी है, तो हम लोग तो आम इंसान है। तो मती के गति गति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है भगवान का नाम लेना। एक घरी पुनियाद घरी आधो में पुनियाद, तुलसी से नाथ के हरे को डबरा। भगवान का नाम एक बार नाम से ले लीजिए, और मेरे लिए मेरा ईश्वर अगर कोई है तो मेरी जनता है। और मैं हमेशा उठता हूं ना, तो एक तस्वीर है मेरी एक शो की, हमेशा अपने सिरहाने लगा के रखता हूं कि मेरी शुरू में वो सिर्फ भीड़ नजर आती है, उसके बाद मैं अपने आप ऊर्जा में आ जाता हूं। मेरे एक गाने क्या, मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी कोई मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? कितना ब्लॉक करेंगे आप करके देखिए। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, मेरे गानों को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ब्लॉक कर रहे हैं आप। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है। जब एक कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहां तक पहुंचा, आज तो मुझे लगता है कि तो सारे गाना को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हैं। होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेचकर मजदूरी करके मेहनत करके गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया, और कमा के और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो सारे गमा को कर दो भाई। सारे गमा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो जिंदगी में हर आदमी एक किस्सा बताता हूं आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती में ठन गए। मां पार्वती यही बोले कि भगवान ये बताइए कि लोग गुजर लेंगे कहे उजाने लगे। भगवान कहे कि बेमतलब कहे के फेरा में पड़ल बढ़ो, चलो खाना पीना बनाओ अस्थिर हो जाए। तो ना चले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहां से आया, तो मैं यहां से लाई। भांग कहां से आया, तो यहां से आया। ईटा कहां से आया, तो बोले कि 2 ईंट था तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किसमें से ईटा लाई, तो जो ढह गया था उसी में से लेके चलिए। तो उनका शब्द था कि जब तू दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजार के आ गई, तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बरियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारे गवा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। रेप भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड ओपन करके गाना देखे, धजिया उड़ा दो मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है, ठीक है मैंने डील की है किससे, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील
मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया, जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया हूं, पढ़ा लिखा भाईचारा के हीरो बन गए, हम का करें, हमारे का गलती तो भाई है। अब भाईचारा ने वाले को लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि भाईचारा ने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया, तो ठीक है ना। और अपने ही लोग काटने वाले हैं सर, आपको क्या लगता है कैसे जितने इंडस्ट्री में लोग हैं। मैंने खेसारी के चाहते थे हीरो रहस के चाहते थे खाली करे गानाबाजी, नहीं। जिंदगी में हर आदमी जो मेरे कॉम्पिटिटर है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए, नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं, जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे, बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं, लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए, बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने दिन तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं सर? जाइए डैम खोली हो जिनको आएगा गाँव दुबाइयों के पत्ते लेके डेम वहां खुले कर रहा। अच्छा ये ग्रीमेंट का जीवन भर रही ना, अरे ये हॉट अब होती वो कहा गए हैं जिन डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सवाल नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूं कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। मगर यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो, जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है, बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूं, मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलेट मारिएगा? अभी हम कम से कम 50 को गाना नहीं गाने वाले हैं, कोई डिलेट मारे मार के देखें। अगर आपकी औकात है तो सारे गांव को छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहां छू रहे हैं। नहीं छू सकते, तीसरी को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं, उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा में छोड़ता हूँ, इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बददुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी, छोड़ दीजिए। कभी कभी भगवान की सेवा। बद्री सर आपसे मेरा एक सवाल है कि सारे गामा हम भोजपुरी निरंतर नए नए प्रयोग करती है, अच्छे अच्छे गाने लाती है और आप भोजपुरी की दिशा सुधारने में भी लगे हुए हैं। आपके पसंदीदा अच्छे गायक अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, ट्रेंडिंग भी होता है, और तब तक में क्या होता है कि आप एक अच्छे गाने लाते हैं, दिशा दशा सुधारने का प्रयास करते हैं, तब तक आपके ही कुछ चाहते गायक ढोली चोली वाला अपना सॉन्ग ले आते हैं, तो उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? तो इसका जवाब तो खेसारी जी ने दे ही दिया है कि अगर हम लोग अच्छे पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अच्छा ही लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने नथुनिया किया, नथुनिया के बाद हम लोगों ने इनका देवी गीत किया, भव्य देवी गीत था, वो भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी ट्रेंड कर रहा है। अभी हम लोगों ने बंधु 3 दिन लिया, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक चेंज के ऊपर कि हम लोग कैसे अपने ऑडियंस को एलिवेट करें, और आने वाले समय में जब हम लोग फिल्म में भी कलाकार का कोई सीमा नहीं होता है तो इम्प्रूव करेंगे हम लोग को। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, सॉरी मतलब ये बताना चाहूंगा कि सबसे कम रेवेन्यू यूट्यूब से हमें मिलता था, आज सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे लगता है कि 16,000 मिलियन। हमने बोला 16,000 सबसे बड़ी जानते हैं कि हम गांव के आदमी, हमको ना 1,000 समझ में आता है ना 1,000 समझ में आता है, जो मुंह में आता है वही समझ में आता है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली वो कंपनी होगी भोजपुरी इंडस्ट्री में,
तो ये इनका ऊर्जा है। और हमारे पत्रकार महोदय गाना है आपका रंजन जी ना रंजन जी ने पूछा आपका सवाल बिल्कुल जाए था रंजन भैया। और आप एक मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको जानता हूँ, आने से पहले कि आने के बाद जाना तो मुझे पता चला जी देखिए गार्जियन स्वरूप आप मेरे लिए हमेशा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें फोकस करना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद उलझ के रह जाएंगे। हमारे अंदर जो क्षमता है हम उससे अपने आप को अपने समाज को अपने भाषा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब दुनिया क्या कर रही है अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक एक आदमी को बदलना बहुत कठिन काम है। इसीलिए आप खुद को बदल दीजिए, दुनिया तो आप में ही है, अपने आप को दुनिया समझ लो और अपने आप को बदल दो। शायद मैंने अपने आप को बदला तो आज पूरी दुनिया तो मेरी ही है ना। तो खुद को बदलिए, दुनिया को मत बदलिए कि दुनिया क्या कर रही है। आशी मैम से एक सवाल है, आवाज ठीक नहीं है ध्यान से। पहले वाले में चेन आपने लिया था खेसारी जी का गाने में, हाँ इस बार भी कुछ आपका कॉस्ट्यूम में कमी पड़ा था क्या, खेसारी जी से हेल्प लेना पड़ा था क्या? और गाने दूसरा गाना है उनके साथ तो कैसा है आपको काम करके अनुभव हुआ दूसरे गाने? मुझे एक्चुअली ये गाना हमने पहले शूट किया था, मैं धनिया ने बाद में किया था, तो इस टाइम पे सर ने मुझे एक्सप्रेशन बताए थे कैसे देने, बिकॉज मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है अच्छे से भोजपुरी, तो सर ने मुझे एक एक मतलब समझाया था, देखो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है, और काफ़ी काफ़ी मज़ा आया। सर के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर है, सर के साथ दोस्तों वाली बातचीत है, तो है ना सर दोस्त है ना। पहली बार हम दोस्त नहीं बनाते हैं, या तो राखी बांधो नहीं तो बीवी बन जाता। बद्री भैया मस्ती खाए इसको दिल पे मत लेना सर, बहुत फनी है रखिए वाला दिल पे ले लेना, बाकी दिल पे मत लेना। बद्री भैया से एक सवाल होगा, बद्री भैया आपके चैनल पे सारे गाने आते हैं, सब स्टार्स के आते हैं, दो स्टार के गाने बड़े चलते हैं, बहुत सुपरस्टार है दोनों लोग, आपकी नजर में कौन सुपरस्टार है? क्योंकि ये सवाल YouTube पे बहुत चलने वाला है, तो आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है आपकी नजर में? तो सबसे जैसे कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू सो मच। अब पता चलेगा पहली बार बद्री झा फंसे हैं और क्लियर बताना पड़ेगा, कोई घुमा मैं इधर हूँ चिंता मत करो आपके साथ में। तो सुपरस्टार के साथ क्या कह रहे हैं? तो नहीं तो खेसारी जी को देख के वो फीलिंग आता ना कि काजल सिर्फ तुम सिर्फ मेरी हो वाला जो फीलिंग है। डिस्कशन का मोड है वो फिर कभी। हाँ तो ये देखिए सुपरस्टार तो है खेसारी जी, जबरदस्त सुपरस्टार है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, मतलब चैनल पे पहला गाना उन्होंने दिया मुझे और सफर जीरो से शुरू किया था हमने, आज 8 मिलियन पे हैं हम लोग। तो ये सफर तो हम लोग कह तो रहा हूँ कि चैनल पे पहला गाना जो ट्रेंड किया वो जय श्री शंकर खेसारी जी का था। खेसारी भैया एक सवाल है आप, ये थोड़ा सवाल कॉन्ट्रोवर्सियल आपने जवाब दिया, अच्छा आपको मिल नहीं रहा है क्या कॉन्ट्रोवर्सी? मैंने आप बोलना चाहते हैं कि खेसारी सबसे बड़ा स्टार है राइट ना? यस बट मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्टार नहीं है, आप जिनके लिए बोल रहे हैं वो मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे। खेसारी भैया उनकी गायकी देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरी एज बहुत छोटी है उनसे, मैं कम से कम 6 से 7 साल छोटा हूँ, तो मैं अपने अगर मैं अपने बड़ों का सम्मान नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सम्मान करेगा। और वो बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। मार्केट में ज्यादा बजना कम बजना ये तो आपकी ऊर्जा के ऊपर होता है, लोगों के प्यार के ऊपर होता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको ना ये छुपा सकते हैं ना मैं छुपा सकता हूँ। इन्होंने ऐसे नहीं बोला, वो प्यार था इनका खेसारी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी को कम मानते हैं। उस चैनल पे कल्लू के भी 200 मिलियन के गाने हैं, तो हमारे कल्लू जी का भी एक सम्मान है
तो आर्टिस्ट कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए, और इसमें हमारे जितने भी कलाकार हैं कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कोई मायने नहीं रखता है। खेसारी भैया, आप भोजपुरी भोजपुरी के गायक हैं, और अभी लगातार जैसे कि दो गाना आपका बंगाली में आया, पहला तो एक बंगालिया गाया था और दूसरा ये है बंधु तीन दिन, क्या लगता है कि बंगाली लोगों से आपको क्या प्यार वार हो गया, क्या कब्जा तो नहीं होने वाला बंगाली इंडस्ट्री पे भैया? बंगाल एक्चुअली पहला वाला गाना बंगलिनिया नाम था, उसमें किमती महारी के भातारी के फसा और उनको गाना मात्र 15 मिनट में लिखा था, और अखिलेश बाबा ही उसके राइटर थे, और पाखी हेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी बंगाल की, जबकि सच पूछिए तो मुझे बंगला आता नहीं है, उल्टा सीधा मैंने कुछ भी बोल दिया था, उड़ी बाबा की बोलची दे आप तुम्हें भालू बसु कर बे तीन चार को हमको, जैसे मेरे जीवन में हर भाषा के चारे को, जैसे अंग्रेजी के तीन चार को भाषा हमको आता है, या यस नो वेरी गुड, मैं इसी पे आज 15 साल से लेके चल रहा हूँ, तो चार पांच आते हैं यस या नो हाँ क्या थैंक यू सो मच आई लव यू आई हेट यू, कुछ कुछ चीजें रखता हूँ मैं जो मुझे पता है कि इसका मतलब गलत नहीं हो सकता है, यस नो वेरी गुड छोटा सा है, मुझे याद होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिंदगी में हर भाषा ने क्या बोला आपसे कि मेरे लिए बंगाल, मेरे लिए भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, दुनिया जहां कुछ भी मायने नहीं रखता, मैं कलाकार हूं और मैं सबका हूं, चाहे वो किसी भाषा के लोग क्यों ना हो, मैं सबका हूं और मैं सबका प्यार पाना चाहता हूं और सबके दिल में रहना चाहता हूं, मेरे लिए ये मायने रखता है। थैंक यू। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को और वीडियो देख लेते हैं और फिर रील से करते हैं। किसी का पब्लिक में से भी यूट्यूब शॉर्ट्स कोलैबोरेशन फर्स्ट टाइम हम लोग इस गाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स जो थे आपका भी थोड़ा सा ठीक है, तो चलिए नीचे बैठते हैं, आप देखते हैं गाना, इसको हटवा दीजिए।